Ethereum looks biased हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि short मतलब ऐसे तो BTC भी options सही के पर वो short सुना है ना 2500 से जो हमने डाला था मैंने तो close और ऊपर से मेरा और ऊपर से but I actually closed it at 1850 so I'm not sad about it you are genius ना मैं बोल ही रहा हूँ but so थोड़ा सा it's looking more bearish this comparison में so अगर हम देखें तो ये leg down था यहाँ पे उसके बाद so this is the all time high lower high और ये lower high अभी confirm हो गया अभी जब ये आज परसों sorry कब टूटा ये हाँ 15 जुलाई को जब ये support टूटा तो this became confirmation हो गया कि lower high ठीक है उसके बाद ये यहाँ पे low था ये lower low था तो उसके बाद दो higher low बने क्योंकि alts ने कोशिश की BNB वगैरह वगैरह ने so ये low higher low फिर lower low और अभी so यहाँ पे जो lower low बनाया इसने उसके बाद price went up made a lower high again और अब ये नीचे आ रहा है अब देखते हैं 1700 exact 1748 cents पे ये low है और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो 1700 के आसपास मतलब 1715 अलग अलग एक्सचेंज में थोड़ा 1700 है 1800 पे तो आ गया अगर $100 हाँ जी पॉज जी वन सेकंड क्रॉसफायर ने बोला है इज इट वाइज टू पुट 100x लेवरेज ऑन माय ट्रेड इवन अगर तुम्हारे पास भविष्यवाणी भी है ना दैट कि ये यहाँ से यहाँ जाने वाला है तब भी 100x लेवरेज वाइज नहीं है ठीक है तब भी नहीं है एक्सचेंज लॉटरी टिकट है एक्सचेंजेस के लिए आपके लिए भी नहीं दैट्स देयर वे ऑफ इंश्योरिंग दैट दे गेट फ्री मनी एसेंशियल एक्सचेंजेस का तरीका है कि आप 100x पे लॉन्ग करो वो पक्का ही उनको दे आर ऑलमोस्ट मतलब मैं आई एम प्रीटी श्योर कि कोई अगर बड़ा पोजीशन 100x पे लेता होगा वो लोग बियर ओपन करते होंगे ऐसा कुछ के मतलब हाँ आया बकरा अभी ऐसा मतलब आए अपने पैसे लिक्विडेशन के राइट सो 100x इज देयर फ्राइडे इवनिंग पार्टी फंड दैट्स व्हाट 100x इज Because it's almost sure that you will get liquidated some or the other time. But पता है इसमें actually zero liquidation का भी होता है. Do you know about it? Smarty भी पूछा था वैसे उसके बारे में. So cross में तुम 125x भी ले लो, 100x भी ले लो, but open your position very low, like $1, $2, मतलब depending upon the amount you have. So उससे क्या होता है कि आपका liquidation zero पे होगा. Like there won't be any price to your liquidation. And I'll tell you the problem with that is कि वो अगर cross पे होगा ना तो liquidate तो नहीं होगा लेकिन अगर bear market types शुरू हो जाए है ना या फिर जैसे 60 के जो उस दिन 45 के से 30 आ गया 19th मई को करके देखना था ये जो experiment अभी बताया ना ये 19th मई को अगर खोल करते ना तो एकदम clear हो जाता कि ये सब क्यों नहीं करना चाहिए cross leverage is a very bad idea for those who don't know a very technical मतलब वो शायद Alameda या hedge funds के लिए अच्छा हो मुझे पता नहीं वो लोग उनकी क्या study रहती है but unless and until you understand very core ideas about portfolio allocation and you know different ratios of tracking how your portfolio is doing cross leverage or cross margin is a way to burn मतलब it's saying के आपने you know आग को अपने पूरे घर को जला दिया एक कमरे में लग गई तो And isolated margin is saying, आग लगने दो पर कम से कम यही कमरा चलेगा जल्दी जल जाएगा पहले पर बचा हुआ घर बच जाएगा एंड आइसोलेटेड मार्जिन में एक घंटे की जगह 15 मिनट में जल जाएगा पर सिर्फ वही कमरा चलेगा पूरा घर बच जाएगा तो आप नया कमरा बना सकते हो नया घर कहाँ से बनाओगे अगर हाँ वो धीरे धीरे जलेगा पर अब कैरोसिन डला हुआ है ना तो पूरा घर जलेगा इफ एक्चुअली कैरोसिन डल जाए किसी लाइक क्रैशेस लगा So essentially it will happen slowly because आपने अपना पूरा एक obvious है ना यार एक कमरा जलने में जितना time लगेगा उससे ज्यादा टाइम लगेगा ना पूरा घर जलने में वो बड़ा है right. तो हमें धीरे धीरे जलने में रियलाइज नहीं होता बट यू आर लेटिंग योर एंटायर हाउस बर्न फॉर अ मिस्टेक दैट वाज कॉज्ड इन अ रूम एक छोटे कमरे में एक शॉर्ट सर्किट हो गया कमरा जलना चाहिए था आपने पूरे घर को जलने दिया सो देन दैट्स प्लेन स्टूपिड अनलेस अनलेस एंड अंटिल यू नो हाउ टू वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आपको आता है मतलब यू नो यू आर वेरी साउंड एंड स्किल्ड विद व्हाट यू डू नेवर डू दैट अनलेस यू नो ट्राई एंड यू नो मतलब पता नहीं है तो मत करो ये सब नहीं कर रहे हैं। Can we take out this clip? Can we take out this clip for tomorrow? हाँ, okay.
अरे बताया तो करो यार क्लिप लेना, ठीक है चलो वापस बोलेगा नहीं नहीं ठीक है नो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के अनलेस एंड अंटिल आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो स्टिक टू एस्पिरेशन मार्जिन ठीक है ना गलती हो गई आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया एक तो आपका लिक्विडेशन किसी भी मार्जिन में नहीं होना चाहिए पहली बात तो आपका आइसोलेटेड मार्जिन में भी लिक्विड सिर्फ क्योंकि वो उतना ही लॉस होगा तो पूरा होने दोगे क्या भाई मतलब व्हाट इज दिस आइडिया कि आप बैल मुझे मार मतलब इवन रिगार्डलेस ऑफ द जो आप मेथड यूज कर रहे हो लेवरेज का आपका स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए अनलेस एंड अंटिल आप यू नो मतलब आपका कुछ ऑप्शन से हेज है या कुछ है अगर आपने इक्वल अमाउंट के ऑप्शन सेल करे आपको हेजिंग वगैरह आती है तब तक आप तब ठीक है स्टॉप लॉस की अलग बात है बट अनलेस एंड अंटिल यू आर 100% हेज थ्रू ऑप्शंस एंड स्टफ ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस कोई भी मार्जिन मेथड यूज करो लिक्विडेशन होना ही नहीं चाहिए If you are making a loss, that is not your mistake. Once in a while, everybody does. If you are getting liquidated, 100% your mistake. Market ki koi galti nahi hai. Aap agar liquidate ho rahe ho, to fir aapke upar hai. This is the burden is on you then. There is no, right? So never get liquidated. Chota leverage lo, stop loss laga ke chalo, margin limited rakho, aur phir trade karo. Chalo. Ethereum ki baat hum kar rahe the. Lower high, lower low bana raha hai. Beech mein yahan pe ye do, so ये जो 19 में वाले मतलब 19 में के आसपास 22nd में को जो लो बनाया ये हायर लो और ये हायर लो बेसिकली टू हायर लोस थे अगर हायर हाई भी मिल जाते तो ट्रेंड चेंज होता था दो हायर हाई हायर लो पर वही साथियों ने नहीं दिया लोन डेंजर दो दो हायर लो तो दिए पर हायर हाई एक भी नहीं दिया सो द ट्रेंड कुड नॉट होल्ड और फिर तब से तो ये गिर ही रहा है राइट दिस इफ यू लुक एट दिस सो अभी पिछले लास्ट मतलब महीने भर से दिस इज द हाई This is the lower high. Here is a low. और ये lower low. 1700 पे मतलब 1700-1715 depending on किस exchange पे देख रहे हो वहाँ पे आपको low मिलेगा. अभी 1813 पे तो आ गए. $100 और अगर almost ना $100-$115 अगर Ethereum नीचे जाएगा तो lower low भी बना देगा. अगर Bitcoin जैसे हाल दिख रहे हैं तो कोई बना ही देगा ऐसा लग रहा है मतलब जो बेचारा मतलब कोशिश कर रहे हैं बचाने की पर बिटकॉइन के हाल के हिसाब से इट लुक्स लाइक राइट सो दैट इज दैट प्लीज एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मेरे पास लॉन्ग ट्रेड शॉर्ट ट्रेड ओपन है या मतलब डिस्क्लेमर के मैंने बीटीसी में और यू नो ETH में बेरिश ऑप्शन स्ट्रेटजी लगाई है उसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ Ethereum टू मी अगर आपको जानना है तो ये देखो ETH बीटीसी का चार्ट एक सेकेंड में देख लो कैसे खुलेगा यहाँ ये देखो ETH BTC अगर आप देखो तो ये दिस इज ऑल्सो ऑन अ डाउन ट्रेंड सिंस अ वाइल ये देखो यहाँ पे इट्स मेड एन ऑल टाइम हाई मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं पर मतलब ऑल टाइम हाई तो ऊपर है पर यहाँ अभी के लिए मतलब इस मंथ साल का हाई लोअर हाई यहाँ पे एंड लोअर हाई और यहाँ पे ये इसने लो बनाए हैं ऑलमोस्ट मतलब अगर वीक को ले लो तो सेम ही लो है बट वो एंड नाउ इट इज अगेन गोइंग डाउन सो दिस टेल्स मी इन द लास्ट 2-3 मंथ्स Ethereum has been more bullish, or sorry, more bearish than Bitcoin. मतलब BTC भी गिर रहा है, लेकिन Ethereum उससे ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि Ethereum BTC pair भी downtrend. So to me, this means that ETH BTC का downtrend में होना, मतलब कि ETH जो है वो BTC से ज़्यादा गिर रहा है, right? So clearly all season types का कोई chance नहीं बन रहा है, तो उस गलत फहमी में मतलब ETH को long मत करना कि BTC गिर रहा है तो ETH वैसा कुछ नहीं हो रहा. So मतलब more than Bitcoin. Ethereum तो बिल्कुल ही हाँ वो तो बात की बात है अभी पहले Bitcoin तो अपने ट्रेंड तो फ्लिप कर लिया भाई पहले वापस ऑल टाइम हाई तो बने फिर देखेंगे ETH flipping तब तक ETH का कुछ नहीं हो रहा हम यू नो एट अ व्हाइल बैक Ethereum एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 4400 रीच 500 बिलियन डॉलर मार्केट कैप थोड़ा अगर BTC 27 पे आ जाता तो वो खुद 500 बिलियन पे आ जाएगा तो मतलब कोई फ्लिपिंग कुछ फ्लिप नहीं हुआ ETH और कम हो गया BTC ETH की जगह आ गया तो कुछ मामला मतलब हो नहीं पा रहा अभी ठीक है तो दैट इज व्हाट बट राइट नाउ द पॉइंट हियर इज के प्लीज डोंट लॉन्ग Ethereum क्लियर डाउन ट्रेंड है लोअर हाई लोअर लो बना रहा है वॉल्यूम्स भी जैसे हम BTC में देख रहे थे ETH में तो और भी ज्यादा कम हो रही है देखो 19th में से धीरे 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 श्रिंक होती चली जा रही है कंसिडरेबली श्रिंक हुई है 20th में को या हम 21st 20th में को अगर हम देखेंगे तो 1.8 के आसपास लाइक उस रेंज में वॉल्यूम्स थे मतलब करीब 1.5-2 मिलियन ETH ट्रेड हो रहे थे
अगर हम yesterday का volume देखें तो 530K, उसके पहले का 430K. So volumes जो हैं, that have also gone down by a good, you know, 80%, 75%. तो बहुत मतलब इसका मतलब कि 75% capital कम लग रहा है market. इतने disinterested exchanges. Institutions. और हम जो है ना, हम अभी भी उतनी वॉल्यूम्स, मतलब जो रिटेल का परसेंट, ये जो फॉल आता है ना, आपको क्या लग रहा है 2 मिलियन ETH हम लोग ट्रेड कर रहे हैं? हमारे बस की थोड़ी है ये, जो जो हमारा है ना इसमें से शेयर, वो हमारा कॉन्स्टेंट होगा मोर और लेस. हम लोग इसमें से 50,000 एक आध, यू नो, 100,000 या कुछ ऐसा, 50,000 कुछ ऐसा टाइप, हम 20,000 ETH डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. उसके ऊपर का जो है, या थोड़ा ज्यादा होगा, 100,000 होगा, उसके ऊपर का जो सारा है ना, वो इंस्टीट्यूशंस का था. And they were trading millions and millions of ETH. उन्होंने उसको कम करके drastically कम कर दिया. हम वहीं अटके अभी. That is how it is. Like a million ETH can't be traded by retailers like us. So ये जो decrease in volume is institutional volumes that are going down. On exchanges at least, off chain OTC कर रहे हो, हमको नहीं पता, पर exchanges पे तो ये कम हो रहा है clearly आपको के सामने. मतलब they are lesser and lesser interested to even trade in it. Forget long short, right? तो इससे ही समझ लो कि मतलब you know essentially क्या हो रहा है market. So please long करके फंसना मत. Support is at 1687 support है. It is मतलब very, अभी थोड़ा नीचे है, थोड़ा अभी हम current support से तोड़ रहे हैं उसको. 1687 आज reach होना चाहिए भाई यार. ये आज अलग ही उसमें है कि सब खत्म कुछ तो होना है मार्केट में. एक बार गिर के फिर बढ़े तो राइट, और अगर नहीं गिर रहा है तो इट इज बोरिंग. कोई बात नहीं, अभी फटाफट, अभी जो मेरे पास हाँ जो है नहीं वो, हाँ मैं समझ गया. तो मैं लेवल बताता हूँ 1680. हाँ बोलो, खत्म कर लो, कर लो. 1835 जो मेरे पास है नहीं, और जो मैं जब डबल डिजिट में आएगा तब खरीदूंगा, वो कॉइन की बारी आती है. अच्छा, इन भी डबल डिजिट भाई, मतलब क्या है 1687 1835, ठीक है 1944 रेजिस्टेंस 1830, हाँ, okay. क्योंकि वो अभी वाला तो हम कह नहीं सकते, इसलिए उसको अवॉइड किया हमने. ऊपर और नीचे तो क्या 1987 1944, क्योंकि बीच वाला तो अभी पता नहीं है, अभी आज की क्लोजिंग के बाद पता चलेगा. ठीक है, तो BNB USDT भाई साहब, मैमिश क्या ही अल्ट्रा वेरिश. ओहो,